खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर। मैं हूं निशांत गुप्ता और मैं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी पार्लियामेंट्री बैठक में मोदी ने सांसदों को रवैया बदलने की दी नसीहत। पूर्वांचल में सियासी दखल रखने वाला तिवारी कुंडा बीएसपी से बाहर। बिस्वा में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, चार डकैत गए दबोचे। जागरूकता संदेश देकर सीतापुर से शाहजहांपुर रवाना हुए साइक्लिस्ट। पंचायत चुनाव का शंखनाद, मोहाली के 3 प्रधान व 108 पंच पदों पर होंगे चुनाव। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर डीएम की सभी से दिल खोलकर दान देने की अपील। एसडीएम बिस्वा की कार्यशैली से गुस्से में एसडीओ, प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। नौ को महमूदाबाद आएंगे डिप्टी सीएम केशव, तैयारियों में जुटे भाजपाई। पूर्वांचल के गोरखपुर दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा पार्लियामेंट्री बैठक में बीजेपी सांसदों की क्लास लगाई और माननीयों को खुद में बदलाव लाने की नसीहत दी। कहा कि आप खुद को बदल लीजिए, नहीं तो हम बदलाव करेंगे। सख्त लहजे में मोदी ने कहा कि सभी लोग अनुशासन में रहे और समय से संसद में आए, अपनी बारी होने पर ही बोले। बच्चों जैसा बर्ताव अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा करने से बचें। संसद की कार्रवाई और बैठकों में नियमित रहें और लोगों के हित में काम करें। उन्होंने कहा कि आप सभी सूर्य नमस्कार करें। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और संसदीय कामकाज के मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्वांचल के तिवारी कुंडा को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। यह कुंडा पूर्वांचल की राजनीति में काफी दखल रखता है। बसपा ने गोरखपुर के चिल्लुपार से बीएसपी विधायक बेटे विनय शंकर तिवारी को निष्कासित कर दिया है। साथ ही उनके बड़े भाई एवं संत कबीर नगर से पूर्व सांसद कुशल तिवारी और पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे भी बसपा से निकाले गए हैं। विनय और कुशल पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, जबकि गणेश शंकर उनके रिश्तेदार हैं। इन नेताओं पर अनुशासनहीनता करने और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से सही व्यवहार न रखने का आरोप था, जिसकी वजह से पार्टी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निष्कासित किया है। हालांकि इन नेताओं की समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चा भी है। जनता को टैक्स के फायदे बताने को 2500 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा निकाले साइकिलिस्टों ने मंगलवार को सीतापुर शहर में साइकिल दौड़ाकर जागरूकता का संदेश दिया। बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया नीरज प्रजापति की अगुवाई में साइकिलिस्टों को अपर आयकर आयुक्त पूजा राज और आयकर अधिकारी प्रीत चड्ढा ने आयकर भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मंगल कामनाओं के साथ यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। वहां से यात्री सिविल लाइन चौराहा, तरणताल तिराहा, जीआईसी चौराहा, नवीन चौक चौराहा, काशीराम कॉलोनी चौराहा होते हुए शाहजहांपुर को रवाना हो गए। इस दौरान साइकिलिस्टों ने लोगों को टैक्स की फायदे गिनाते हुए उन्हें समय पर अपना टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित भी किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जन जागरूकता के उद्देश्य सोमवार को लखनऊ से चलकर साइकिल यात्रा सीतापुर पहुंची थी, जहां पर रात्रि विश्राम किया। शहर के तिकोनिया पार्क चौराहे का नाम बदलकर भगवान परशुराम चौक रखे जाने की मांग को लेकर मंगलवार को सीतापुर के ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा से मुलाकात की और उन्हें मांग पत्र सौंपा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष व पालिका सभासद धीरज पांडे ने कहा कि सीतापुर शहर के तिकोनिया पार्क चौराहे का नाम
भगवान परशुराम चौक रखने को लेकर 13 फरवरी को बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही चौक का सौंदर्यीकरण कर वहां पर भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा स्थापना का भी प्रस्ताव हुआ था, लेकिन 10 महीने बाद भी कार्य पूरा नहीं हो सका। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल में निर्भय द्विवेदी, विजय अवस्थी, राम कुमार मिश्रा आदि उपस्थित थे। सीतापुर के मोहली ब्लॉक के 3 प्रधान और 33 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए पंचायत चुनाव होंगे। इनके साथ ही यहां के 16 ब्लॉकों में रिक्त 75 ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार इस चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू होगी। 20 दिसंबर को मतदान होगा और 21 दिसंबर को वोटों की गिनती कर चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि सीतापुर के मोहली ब्लॉक की ग्राम पंचायत कैमहरा, रघुवर दयाल, रायपेड़िया और भटपुरवा में प्रधान पदों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों पदों के लिए चुनाव होंगे। इन ग्राम पंचायत में प्रधानी कार्यकाल पूरा न होने की वजह से यह चुनाव कराए नहीं गए थे। सीतापुर के खैराबाद के संकुल सरैया सानी में आयोजित ब्लॉक स्तरीय बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि SDM सदर अनिल कुमार ने किया। साथ ही बच्चों को मेहनत और लगन से खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा भी दी। समापन पर आरएमपी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव ने सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया। BO अशोक कुमार यादव, सत्य प्रकाश मिश्र, अपूर्व दीक्षित, मनीष पांडे, वंदना दीक्षित ने भी अपने विचार रखे। संचालन योगेंद्र पांडे ने किया। इस अवसर पर प्रियंका, अंकिमा, प्रीति सेठी, अनुराग, विवेक, अनिल, पीर मोहम्मद, सौरभ जायसवाल, वीना, अरुण, राजेश गरिमा, नूर, गीता देवी, नरेंद्र आदि उपस्थित थे। प्राथमिक वर्ग 100 मीटर बालक में अभिषेक प्रथम, 200 मीटर में मीनू प्रथम स्थान पर रही, जबकि बालिका वर्ग जूनियर की 200 मीटर व 400 मीटर दौड़ में सीलम प्रथम स्थान पर रही। बालक वर्ग में 400 मीटर दौड़ में मोहित प्रथम, 600 मीटर में कौशलेंद्र प्रथम स्थान पर रहे। लंबी कूद प्राथमिक वर्ग बालिका में वर्षा प्रथम स्थान पर रही। जूनियर वर्ग में सुशील प्रथम स्थान पर रहे। प्राथमिक स्तर पर बालक वर्ग की कबड्डी में विष्णु नगर प्रथम तथा बालिका वर्ग में टकपुरवा की टीम प्रथम स्थान पर रही, जबकि जूनियर बालक में विष्णु नगर की टीम अव्वल रही। रेउसा के अटल चौराहा पर बिजली पोल शिफ्टिंग करते समय एक मजदूर को करंट लग गया। उसे करंट सौर ऊर्जा प्लेट वाली लाइट के खंभे को हटाते समय लगा। झुलसे मजदूर को पूर्व विधायक झीन बाबू ने CSC पहुंचाया, जहां नाजुक हालत देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बता दें कि रेउसा के मुख्य चौराहा को अटल चौक के रूप में विकसित किया जा रहा है। विकासखंड सकरन की ग्राम पंचायत टिड़वा कला में मेन रोड से दिलीप सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग में लाई गई है। यह खेल प्रधान समेत उच्चाधिकारियों की सह पर किया गया है। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। ग्रामीण किरण सिंह, देशराज सिंह, दिलीप सिंह ने बताया कि इंटरलॉकिंग निर्माण में पीला ईंटा व घटिया किस्म के मसाले का प्रयोग किया गया है, जिसके चलते एक सप्ताह में नालियां टूटकर बिखरने लगी हैं। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में अध्ययनरत कृषि स्नातक चतुर्थ वर्ष की छात्राओं ने विकासखंड सिधौली के रामनगर गांव में जाकर पंचायत के आधारभूत आंकड़ों का संकलन किया। साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात कर उनसे खेती किसानी में आने वाली समस्याएं भी जानी। ग्रामीण कृषि कार्यानुभव कार्यक्रम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर के मार्गदर्शन में छात्राओं सेजल पांडे, अपूर्वा सिंह, अंकिता सिंह, अर्शिफा मुस्तकीम, अर्शी खान, आराध्या श्रीवास्तव, अलका सिंह एवं शैली गुप्ता ग्रामीण परिवेश से रूबरू होते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। गोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने किसानों से खेती किसानी में नई तकनीक का इस्तेमाल करने की नसीहत दी। इस अवसर पर वैज्ञानिक अमरनाथ सिंह ने फसल अवशेष प्रबंधन एवं पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बताया। अंत में अलशिफा मुस्तकीम ने आभार जताया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सीतापुर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला सैनिक पुनर्वास कल्याण विभाग के अधिकारी ने DM को सेना का झंडा सौंपा। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, वीरता एवं बलिदान को नमन करते हुए सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों, BDO, पुलिस विभाग से सैन्य कल्याण के लिए दिल खोलकर दान करने की अपील की। DM विशाल भारद्वाज ने कहा कि देश की सैन्य विरासत तथा सैनिकों द्वारा युद्ध एवं शांति काल में देश के लिए त्याग, बलिदान और पराक्रम की ओर ध्यान आकर्षित करना सभी का परम कर्तव्य है। इस मौके पर स्मारिका का विमोचन किया।
बता दें कि वर्ष 1949 से लगातार देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन भारतीय सेना अपने बहादुर जवानों के कल्याण के लिए भारत की जनता से धन संग्रह करती है। रेउसा के ब्लॉक संसाधन केंद्र पर मंगलवार को आयोजित एक दिनी संगोष्ठी व उन्मुखीकरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सेवता एमएलए ज्ञान तिवारी ने सभी को शिक्षा के सुधार में सुधार की नसीहत दी। कहा कि आज प्रदेश के प्री प्राइमरी, प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीकी उच्चीकरण व डिजिटल रूप में सक्षमता बढ़ाए जाने की जरूरत है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालयों को तकनीकी व डिजिटली सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश कैबिनेट में संबंधित प्रस्ताव पर सहमति भी दे दी है। विधायक ने कहा कि वह अपने गांव के विद्यालय सुंदर बनाएं और शिक्षा का माहौल बेहतर रखें, जिससे यहां के बच्चे निकलकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। इस अवसर पर अध्यक्ष महेंद्र पांडे, संजीव मिश्रा, बीईओ सुंदरलाल, विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा, रामेंद्र तिवारी, अशोक वाजपेयी, विनोद यादव, रामू शुक्ल, संदीप मिश्र आदि मौजूद थे। विकासखंड कसमंडा के नेवादा में पंचायत भवन उपेक्षा का शिकार है। करीब 10 महीने बाद भी पंचायत भवन बनकर तैयार नहीं हो सका। ये हाल तब है जबकि एक हफ्ते पहले यहां पर निरीक्षण करने आए एडीपीआरओ इंद्र नारायण सिंह ने संबंधित को फटकार लगाते हुए अधूरे निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके आज भी यहाँ का पंचायत भवन अधूरा पड़ा है। सीतापुर के बिस्वा कोतवाली इलाके के जलालपुर के पास हुई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका थर्रा उठा। कोतवाली प्रभारी बिस्वा राजीव सिंह के निर्देशन में उप निरीक्षक शशांक पांडे, हेड कांस्टेबल विजय यादव, सुधर सिंह, ब्रजेश यादव, आरक्षी अभिषेक सिंह व रत्नेश वर्मा ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। भेड़ के दौरान दुर्दांत अपराधी योगेंद्र लोनिया व धर्मेश्वर निवासीगण नरेंद्रपुर थाना सदरपुर और रंजीत पासी व गया प्रसाद उर्फ टिल्लू निवासीगण बालाघाट दक्षिण पूर्वा थाना बिस्वा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 तमंचा, 4 कारतूस, 2 चाकू और पूर्व में डाली गई डकैती से संबंधित सोने व चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। सीओ बिस्वा के मुताबिक योगेंद्र लोनिया पर विभिन्न थानों में एक गंभीर अपराधों के 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। सभी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सिदौली क्षेत्र के कंचनपुरवा स्थित हनुमान मंदिर में चल रही 7 दिवसीय भगवत कथा के अंतिम दिन कथा व्यास नागेंद्र यादव ने महाभारत के द्वित क्रीड़ा प्रसंग का वर्णन किया। साथ ही लोगों से ऐसे खेलों से बचने की नसीहत दी। कहा कि लोगों को जुआ नहीं खेलना चाहिए, ऐसे खेलों के परिणाम महाभारत से सीखने चाहिए। समापन पर कन्या भोज के साथ आयोजित भंडारे में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर विजय कुमार, राधेश्याम, शिव सागर, गोविंद प्रसाद, राम प्रकाश, गया प्रसाद, चंद्र प्रकाश, नरेश कुमार, रेवती, शत्रुघ्न, सुंदरलाल आदि उपस्थित थे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के बसंतीपुर में धान खरीद भुगतान में फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ के किसानों की जमीन का फर्जी बटाईदार बनकर धान बिक्री कर पैसे निकाल लिए। जब इसकी भनक किसानों को लगी तो किसानों के होश फाकता हो गए। इस मसले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी को संबोधित मांग पत्र कोतवाली प्रभारी को सौंपा। इसके जरिए मामले की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने वालों में राजेश कुमार, अवधेश कुमार, राम मुनीश, विनोद कुमार, विष्णु कुमार, मिथिलेश कुमार, श्रवण कुमार, संजय, राजेश कुमार आदि शामिल रहे। जिला पंचायत सदस्यों को मानदेय दिलाए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को सीतापुर के जिला पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी को संबोधित मांग पत्र दिया। दिए गए मांग पत्र में कहा कि निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अपने इलाके की जन समस्याओं के निस्तारण के लिए लगातार भाग दौड़ करनी पड़ती है, जिससे उनके जेब पर खर्चे का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिला पंचायत सदस्यों ने मानदेय भुगतान कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में हाजी मोहम्मद रिजवान, जितेंद्र कुमार, सुनीता चौधरी, गोविंद प्रसाद, प्रीति रावत आदि जिला पंचायत सदस्य शामिल रहे। सीतापुर के किसान इंटर कॉलेज सरैया राजा साहब में मंगलवार को उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड का जिला स्तरीय तृतीय सोपान शिविर का आगाज हो गया। कॉलेज प्रधानाचार्य संजय मिश्रा ने शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्काउट गाइड अपने जीवन में बहुत ही अनुशासित होते हैं और देश के लिए हमेशा सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं। जिला संगठन कमिश्नर स्काउट अवनीश कुमार ने बताया कि तृतीय सोपान शिविर में वो स्काउट गाइड प्रतिभाग करते हैं जो द्वितीय सोपान पास कर लेते हैं। शिविर के पहले दिन प्रशिक्षकों ने स्काउट गाइड को ध्वज बांधना, ध्वज शिष्टाचार, टोली बनाना, नियम प्रतिज्ञा वर्दी तथा झंडा गीत का प्रशिक्षण दिया। साथ ही एसडीओ से एसडीएम बिस्वा द्वारा अभद्रता किए जाने से पावर कॉर्पोरेशन के एसडीओ गुस्से में हैं। इसके विरोध में मंगलवार को आक्रोशित एसडीओ ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया
और उनसे मुलाकात कर पूरे प्रकरण से भी रूबरू कराया। ज्ञापन में अभियंता संघ के सचिव मानवेंद्र सिंह ने कहा कि बीते 4 दिसंबर को बिस्वा में हुए संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीओ बिस्वा विशाल शर्मा यातायात बाधित होने से 10 मिनट देरी से पहुंचे थे। इस पर एसडीएम ने उनके साथ अभद्रता की और 2 घंटे तक उन्हें संपूर्ण समाधान दिवस में खड़े रखा, कुर्सी पर भी बैठने तक नहीं दिया, साथ ही थाने में बंद कराने तक की धमकी तक दे डाली। इससे वो मानसिक रूप से काफी आहत है। आगामी 9 दिसंबर को योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर के महमूदाबाद दौरे पर आएंगे। वो यहां के पॉलिटेक्निक ग्राउंड पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही उन्हें विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। उनके दौरे को लेकर मंगलवार को महमूदाबाद के एक गेस्ट हाउस में पार्टी जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की, साथ ही सभी से कार्यक्रम को सफल बनाने को कहा। बैठक में पूर्व भाजपा प्रत्याशी आशा मौर्य, जिला महामंत्री रोहित सिंह, मोहन प्रसाद बारी, नीरज वर्मा, राम कुमार वर्मा, सुरेश वर्मा, सुधांशु वर्मा, रमा शंकर वर्मा, कमलेश तिवारी, गिरिजेश गुप्ता, शशि प्रभा, सुधीर सिंह, संतोष सिंह, शिव कुमार गुप्ता आदि मौजूद थे। श्री उमाकांत मेमोरियल मेडिकल एवं एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से मंगलवार को बीसीएम अस्पताल सभागार में डायबिटीज जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय उमाकांत की स्मृति में आयोजित शिविर का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि एएसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने किया। ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर ब्रजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि शिविर में लोगों को डायबिटीज की जानकारी दी, साथ ही बचाव व उपचार तथा उससे होने वाली जटिलताओं के बारे में भी बताया। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, सीईओ सौरभ श्रीवास्तव, सिस्टर जीवा, शिवेंद्र प्रताप सिंह, विश्वीर गुप्ता, महेंद्र अग्रवाल आदि उपस्थित थे। सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र के काकोरी गांव के समीप एक गन्ने के खेत में लगी आग में 50 बीघा गन्ना फसल जलकर खाक हो गई। यह आग दोपहर को लगी पर कारणों का पता नहीं चल सका। तेज लपटों ने एक एक करके 9 किसानों के खेतों को अपने आगोश में ले लिया। जानकारी पाकर पहुंचे ग्रामीण भी आग बुझाने में जुट गए। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसानों की मदद से आग पर काबू पाया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनीटाइम।